मंदिर परिसर में संघ बनबर पर नंगे पांव खड़े होकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की परेशानी को पीएम ने संज्ञान लिया है। उनके लिए जूट से बने जूता मंदिर प्रशासन को भेजे गए हैं, जिसे रविवार को बनवाया गया। मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के द्वारा लगभग 100 जोड़ी जूते बांटे गए। दोनों अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी के खड़ाव को पहनकर ड्यूटी करना सभी के बस की बात नहीं है। इस परेशानी को देखते हुए पीएम ने कर्मचारियों को ये भिजवाया है। आपको बता दें कि मंडलायुक्त ने इस दौरान बताया कि मंदिर परिसर में लेदर या रबर से निर्मित जूता चप्पल प्रतिबंधित है। ऐसे में भीषण ठंड में आठ घंटे ड्यूटी करने में सुरक्षा कर्मियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। पीएमओ के द्वारा भेजा गया जूट का जूता पुलिस, सीआरपीएफ, पुजारी, सेवादार, सफाई कर्मियों को दिया गया है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्दिक धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। महाराज एकदम पहन लो, खोल के पहनिए। आप पहनिए, ठीक है भैया। इसमें जैसा कि आप लोगों सबको जानकारी है कि श्री काशीनाथ धाम के बनने के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशीनाथ धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, और काशीनाथ धाम के जो मुख्य परिसर है उसके अंदर अब जूते चप्पल का प्रवेश निषेध है। तो ये चर्चा चल रही थी कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी, जो हमारे पुजारी, हमारे सफाई कर्मी मेन मंदिर परिसर के अंदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनको लंबी अवधि के लिए वहाँ पर खड़ा होना करना पड़ता है या चलना फिरना पड़ता है, तो उनको नंगे पाँव उस कर्तव्य का निर्वहन में कठिनाई आ रही थी। तो हम लोग ने ये विचार किया कि उनको कुछ खड़ाव या अन्य विकल्पों पर विचार चल रहा था, लेकिन विभिन्न स्रोतों से माननीय प्रधानमंत्री जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस बात को ये गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने स्वयं से खुद वहाँ से जूट के जो जूते बनते हैं उसका काफ़ी बड़ी संख्या में मंदिर को वहाँ से भेजा गया दिल्ली से, जिसका आज वितरण का कार्यक्रम हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, हमारे पुजारी अर्चकगण हैं, उनको सबका वितरण किया गया है, और जिससे सभी लोग संतुष्ट भी हैं कि एक तो जो परंपरा है कि गंदगी की उससे भी छुटकारा मिलेगा, और जो उनको अपना कर्तव्य निर्वहन करने में जो सर्दी गर्मी में कोई दिक्कतें आती थी वो भी नहीं रहेगी, और आने वाले समय में जितने भी समस्त हमारे वहाँ पर लोग लगे रहते हैं विभिन्न अपने कार्यों में, उन सभी को इस तरह की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा जिससे कि जो एक मंदिर की गरिमा है वो भी बनी रहे, साथ साथ जो काम करने में व्यवहारिक कठिनाई आती है वो भी दिक्कत ना हो।